हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संदीप आपके साथ एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। तो आज 26 दिसंबर है और 26 दिसंबर में मैंने आज चार ट्रेड किया है और चार में से आज तीन ट्रेड मुझे प्लस में रहा और एक माइनस में रहा था। तो चलिए मैं अपना पीएनएल शो कर देता हूँ। तो पहले तो ऑर्डर बुक है और मेरा आज का जो प्रॉफिट रहा वो 685 का प्रॉफिट रहा, प्लस में रहा। और इसके पीछे जो लॉजिक था, इस मैंने आज चार ट्रेड किया था, ठीक है। इस चार ट्रेड के पीछे जो लॉजिक था वो आपके साथ शेयर करूंगा। पहला ट्रेड देखिए 9:30 को। पहले तो 9:30 को लॉजिक क्या था, पहले कैंडल ग्रीन सॉरी रेड में बनाया, 5 मिनट का कैंडल रेड बनाया। तो मुझे लगा कि यहाँ पर बायर्स थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड कम है, इसलिए मैंने इस कैंडल इस बड़ा कैंडल पे 50% के स्टॉप लॉस रख के थोड़ा ऊपर जाते ही, इसका ओपनिंग होने के बाद थोड़ा ऊपर जाते ही मैंने इसका पोजीशन बुक पोजीशन ले लिया। यहाँ पर अब देख सकते हैं कि 9:30:21 पे यहाँ पर मैंने 2:30 2:730 पे प्राइस पे लिया था। तो प्राइस यहाँ पर देखिए पहले तो ऊपर चला गया, मेरा इसका 50% का एसएल था। मैंने मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता मैं यहाँ पर एग्जिट कर देता, परंतु इसका मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर होल्ड किया। फिर इस कैंडल ने ऊपर जाते ही मैंने एसएल हिट कर दिया, ठीक है, मैंने सेल कर दिया 2:34 के प्राइस से, मैंने सेल कर दिया। फिर देखिए यहाँ पर मैंने देखा कि प्राइस मूवमेंट नहीं कर रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। तो मैंने फिर से इंट्री किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने इस मूविंग एवरेज को ना, इस कैंडल ने 9:25 के कैंडल में एक रिजेक्शन दिया है पूरा, देखिए यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने 9:38 को फिर वही वही वाला स्ट्राइक प्राइस में पुट के एंट्री लिया 253 के प्राइस से और करीबन इसी कैंडल पे। तो फिर मार्केट थोड़ा दो कैंडल सस्टेन किया, फिर एक फॉल लिया। फॉल आने के बाद ना जब प्राइस यहाँ पर था ना, यहाँ पर था, तभी मैंने बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं था जो मार्केट इसके नीचे जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए 9:52 को मैंने प्रॉफिट बुक किया और 290 पे मैंने बेचा था, तो वो लॉस रिकवर होके करीबन -24 रुपीज़ पे आ गया था। 297 या 8 पे ऊपर था जब मैंने एग्जिट किया, तो एग्जिट करने के अगर मैंने लिमिट प्राइस से नहीं मार्केट प्राइस पे एग्जिट मारा था, इसीलिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट ट्रेड का लॉजिक क्या था, नेक्स्ट ट्रेड का जो लॉजिक था, मार्केट गैप डाउन सॉरी गैप यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम बिता रहा था इसी रेजिस्टेंस जोन के पास। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर से एक पुल बैक मिलेगा, और कहाँ मिलेगा पुल बैक, यहाँ तक का तो एक पुल बैक मिलेगा, क्योंकि बैंक यहाँ पर देखिए HDFC बैंक ने भी करीबन रुक के वहीं पे यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, 10:45 को यहाँ पर एक रिटेस्ट। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से एक पुल बैक दे सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड उठाया था। परंतु यहाँ पर देखिए मैंने इसी कैंडल पे क्लोजिंग पे ट्रेड उठाया था, जो प्राइस था ऑर्डर बुक में देख लेते हैं, जो प्राइस था वो करीबन था 250 के आसपास लिमिट प्राइस पे मैंने बाई किया था 11:11 पे। तो करीबन इस कैंडल में मैंने बाई किया था, फिर नीचे आया। जब ये प्राइस नीचे आया ना, तभी यहाँ पर माइनस थोड़ा बहुत दिखा रहा था, 240 के आसपास प्राइस नीचे ना नीचे निकला, ठीक है। तो मैंने इसे होल्ड किया, फिर एक पुल बैक मिला 290 के आसपास गया, ठीक है, इस कैंडल में 290 के आसपास गया था, 295-290 के आसपास गया था। अगर इसका देखिए अगर पोजीशन बुक एंड देन इसका अगर प्रीमियम चार्ट देखेंगे, अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, तो देखिए इसी कैंडल में मैंने इस कैंडल में बाय किया था करीबन, हाँ इस कैंडल में देखिए यहाँ पर आया किसका था, 238 पे आया था, लो लगाया था, और यहाँ पर इस कैंडल है ना 295 के आसपास गया था। परंतु मैं इसी मेरा टारगेट जो था करीबन यहाँ तक का था, 320 के आसपास का था, तो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया। फिर मार्केट ने पूरा फॉल दे के साइडवेज कर दिया, ठीक है। जब प्राइस फिर से यहाँ पर गया था, तब भी मैंने यहाँ पर करीबन मैंने होल्ड किया था। तो देखिए कभी मैंने जब होल्ड किया था, तब अगर होल्डिंग स्टेटस देखते हैं, तो मैंने सेल किया, मैंने पूरा यहाँ पर 35 मिनट के आसपास ये ट्रेड में लगा रहा था, 35 मिनट पे होल्डिंग किया था। जब मैंने देखा मार्केट साइडवेज हो गया है, तो मैंने निकाल दिया 257 पे निकाल दिया,
11:46 पे, और देखिए प्राइस 11:46 के आसपास मतलब इस कैंडल में मैंने निकल दिया, ठीक है, क्योंकि देखिए प्रीमियम इसके हाई पे ऊपर चला गया था, तो प्रीमियम नहीं भरा है, इसलिए मैंने यहाँ पर निकल दिया। फिर मार्केट ने थोड़ा समय बिता के इस कैंडल में एक बूम फटा, फिर यहाँ पर देखिए इसका प्रीमियम जो था करीबन 3, ठीक है, 340 के आसपास गया था, तो इसलिए मेरा यहाँ पर प्रॉफिट लॉस को कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ प्रीमियम का जो चार्जेस लगता है वही वो था। फिर देखिए लास्ट ट्रेड मैंने लिया निफ्टी का, पीई का लिया था, तो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट अगर लगाए, निफ्टी अगर निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगाए तो देखिए निफ्टी का चार्ट यहाँ पर, तो निफ्टी ने पहले तो यहाँ पर एक साइडवेज था, मार्केट साइडवेज जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक इवनिंग स्टार कैंडल बनाया, ठीक है, एक इन्वर्टेड सॉरी एक ग्रीन कैंडल, एक ब्लू स्टॉक डॉजी कैंडल, फिर यहाँ पर देखिए एक इन्वर्टेड हैमर, एक रेड कैंडल, आप अगर शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार ही नहीं होगा, इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए यहाँ से प्राइस इस कैंडल में ने इस मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर आ सकता है मार्केट, यहाँ पर इसके नीचे आ सकता है, एक मूवमेंट दे सकते हैं इसके नीचे की तरफ करीबन इस जगह की तरफ। जब इस कैंडल ने मैंने यहाँ पर एंट्री पहले लिया था, अगर एंट्री की बात करें तो मेरा जो एंट्री था वो 12:48 को हुआ था, ठीक है, 12:48 को प्राइस करीबन इस कैंडल पे था, ठीक है, 48 मतलब इस कैंडल पे था, इस कैंडल में मैंने एंट्री लिया, फिर इस कैंडल ने थोड़ा जाके करीबन इस जगह पे मैंने एंट्री लिया था, तो फिर इसके ऊपर गया मार्केट ने, प्रिस प्राइम जो प्रीमियम था वो करीबन 80 के आसपास आ गया था, तो फिर एक देखिए पुल बैक लिया, मैंने सोचा कि इसके ऊपर निकलेगा मार्केट, इसकी मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा तो मैंने सेल कर दूंगी, ठीक है। जब इसके ऊपर निकल रहा था ना तब सोचा कि होल्ड कर लूँ, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो निकल दूंगा, परंतु यहाँ से डायरेक्ट फॉल हो गया मार्केट ने, जब डायरेक्ट फॉल हुआ ना तो मैंने यहाँ पर करीबन यहाँ से मैंने उसी जगह पे मैंने सेल किया था जब 1:04 पे, तो करीबन देखिए इसी कैंडल पे, इसी फॉलिंग कैंडल में मैंने सेल कर दिया था, जब यहाँ तक का आया था इसका प्रीमियम तभी मैंने सेल कर दिया, और जो मेरा जो आज का जो डे क्लोज पीएनएल रहा वो 685 का था।